सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल ठीक है आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर वी आर गोइंग टू बिगिन विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके बट शुरू करने से पहले देर आर कपल ऑफ थिंग्स फर्स्ट आई हैव केप्ट द स्लाइड्स रियली सिंपल ठीक है तो इसके अंदर आपको कोई भी फोटो ये सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉट ग्राफिक्स गो समेर एल्स लाइक हमारे वीडियो के अंदर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ठीक है सेकेंडली द नोट्स आर रियली एग्जॉस्टिव काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं आपको ये पढ़ने के बाद लाइक यू नो फॉर सी डी एस का एग्जामिनेशन यू डोंट नीड टू गो एनीर एल्स और सी डी एस के अलावा भी लाइक यू नो आई थिंक दीज नोट्स आर गोइंग टू भी हेल्पफुल फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल ओके नाओ कमिंग टू द सोर्सेज हमने ये नोट्स बनाए कहाँ से तो आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ योर एन सी आर टी और एन सी आर टी के अलावा आई हैव यूज स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम को काफ़ी हाईली यूज़ करा है ओके सो रिसर्च का कॉम्बिनेशन है स्पेक्ट्रम एनसीआर टी थिंग्स आर टेकन फ्राम इंटरनेट ओके तो आप लोगों के लिए तो ये चीज़ काफ़ी है यू डोंट हैव टू गो एनी वेर एल्स ओके अब स्टार्ट करते हैं हम आज की पढ़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से पहले देयर वर सम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों ने अपना बेसिक सा ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करा था जिसके ऊपर आई एन सी ने आके फर्दर बिल्डअप कराया ओके okay. तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है The organizations in the first half of the 19th century were dominated by wealthy and aristocratic, जो ज़मींदार टाइप के लोग होते हैं, they uh, the people who used to earn a lot, तो वो लोग डोमिनेट कर रहे थे फर्स्ट हाफ के अंदर, and in the second half it was dominated by educated middle class, ठीक है? तो आपकी 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1801 और वहाँ से लेके इट goes ऑल द वे टू 1899. तो ये जो आपका पहले वाला हाफ दिख रहा है ना यहाँ पे आपके यू हैव पीपल हु आर रिच ओके एंड इन द सेकेंड हाफ जो आपका ये वाला पार्ट हो गया यू हैव मिडिल क्लास फंक्शनिंग ओवर ये और यहाँ पे आपका वेल्दी लोग काम कर रहे हैं ओके okay? तो ये बेसिक सा एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है अब आप इससे ये भी समझ सकते हो कि जो पहले हाफ़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो गरीबों का इतना ज़्यादा भला नहीं करेगी दे वोंट थिंक अबाउट द मासस वेयर एज जो सेकेंड हाफ के अंदर काम करेंगे दे विल वर्क फॉर द मासर्स कि गरीब लोग जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है इंडिया की उनको कैसे यू नो दे वुड बेनिफिट तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन के काम के अंदर भी दिखेगा ठीक है अब आते हैं पहली के अंदर 1836 बंगाल के अंदर यार काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी बिकॉज लाइक इट इज़ द हब जहाँ पे कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं ठीक है तो बंगाल इज़ गोइंग टू बी द हब सबसे पहले 1836 के अंदर यू हैव द बंग भाषा प्रकाशनी सभा ये आपके राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट्स जान पहचान वाले लोगों ने बनवाया था ठीक है नॉट डेट इम्पॉर्टेंट बस खाली नाम याद रख लेना अब इसके बाद में आती है ज़मींदारी एसोसिएशन जिनको हम पॉपुलरली लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं जो बंगाल के ज़मींदार लोग थे लैंड होल्डर्स थे उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली दैट यू नो इफ वी हैव एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम द पेसेंट्स ठीक है एटलीस्ट वील स्टे क्लोज टू द गवर्नमेंट और यू नो दे बेसिकली वॉन्टेड टू सेव गार्ड कि उनके जो भी अधिकार है भाई वो बचा के रखो गरीबों से इतना ज़्यादा हमको मतलब नहीं है ठीक है देन यू हैव द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो आपकी 1843 के अंदर फॉर्म हो रही है ओके okay. इनका काम क्या था दे यूज़ टू कलेक्ट एंड स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं उन लोगों की यू नो व्हाट इज़ द कंडीशन हाउ सफरिंग तो वो सारी चीज़ों को प्रपोगेट करने का काम इनका था अब लेटर ऑन क्या होता है ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं ओके सो दिस जॉइंट द्र बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और उसका नाम पड़ता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन विच इज़ फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ एटीन ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है ऑब्वियसली एलिटेस्ट एलिमेंट भी है एंड देर आर सम एलिमेंट हुट्स टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ओके तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे अब अब इनकी मेन डिमांड्स क्या थी फर्स्टली दे वांटेड टू एस्टैब्लिश सेपरेट लेजिस्लेचर ऑफ पॉपुलर कैरेक्टर ये इलेक्शंस की मांग कर रहे थे कि हमारे लिए जो नियम बनाएंगे एटलीस्ट दे शुड बी इलेक्टेड ठीक है सेकेंडली दे वॉन्टेड टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो आपका गवर्नर जनरल होता था उस टाइम पर वो क्या करता था उसकी मर्जी आएगी तो वो कुछ लॉ भी बना देगा उसको कोई पर्टिकुलर एक्शन लेना है तो वो खुद के हिसाब से एक्शन भी ले सकता है एंड इफ़ ही वांट्स टू पनिश तो वो जुडिशरी या कोर्ट की जैसे भी एक्ट कर लेगा तो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड ऑफ अ सिंगल पर्सन इट्स इट्स नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी या फिर कोई भी देश ले लो ठीक है तो दे जस्ट वॉन्ट टू सेपरेट इट अब इसके बाद में दे वॉन्ट टू रिड्यूस सैलरीज ऑफ हायर ऑफिशियल क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ये गरीब देश है आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे दोगे अमीर लोगों को यू नो इट्स नॉट प्रोडक्टिव और उसके बाद में दे वॉन्ट टू अबॉलिश सॉल्ट टैक्स आपका री स्टैम्प ड्यूटीज ठीक है जो नमक बनाने का बेसिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम उसके ऊपर टैक्स क्यों दे इफ यू आर मेकिंग अ लोकल लिकर वाई शुड वी पे टैक्स ऑन दैट तो ये इनकी डिमांड थी अब सिंस ये थोड़ा लेटेस्ट एलिमेंट है इसके अंदर तो दे वर क्लोज टू द गवर्नमेंट और इनकी कुछ डिमांडे वर एक्सेप्टेड इन द चार्टर एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी थ्री ठीक है अब मैंने यहाँ पर लिखा है पॉलिटी से लिंक करो पॉलिटी आपके पास लक्ष्मीकांत होगी तो उसके अंदर चैप्टर वन है ठीक है इट इज़ ऑल अबाउट लाइक क्रोनो क्रोनोलॉजिकली उन्होंने सारे एक्ट चार्टर एक्ट फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सारे बता रखे हैं तो वहाँ पे जाके एक बार ये 1853 वाला चार्टर एक्ट पढ़ लो और लिंकअप कर लेना ओके देन यू हैव द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ये दादा भाई नारो ने द नेम ये ये वाला नाम है ना नेर एवर इट विल बी मैंशन इट ऑटोमेटिकली एड टू द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई रिपोर्ट हो गई है ना तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट दादा भाई नारोजी ने ये लंडन के अंदर इस्टेब्लिश करा था क्यों करा था बिकॉज ही वॉन्टेड टू डिस्कस इंडियन इशू इन इंग्लैंड इंग्लैंड के अंदर जो अमीर लोग हैं जो इन्फ्लुएंसियल लोग हैं उनके साथ में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन द इंडियन पीपल आर फेसिंग ठीक है लेटर ऑन इसकी ब्रांचेस कुछ कुछ इंडियन सिटीज़ के अंदर भी खोली गई ठीक है तो ईस्ट एस इंडियन एसोसिएशन पढ़ लेना इम्पोर्टेंट है ठीक है अब नाउ कमिंग टू 1875 द इंडियन लीग करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है बाय शशिर कुमार घोष ठीक है अब इनका एम क्या था ही वांटेड टू स्टिम्युलेट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल एंड एनकरेजिंग पॉलिटिकल एजुकेशन अब जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं ना उनको समझ में आ रहा है ठीक है कि इफ़ यू वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज वील हैव टू हैव द सपोर्ट ऑफ द मासिस उनको पहले तो अवेयर कराना पड़ेगा कि आपके राइट्स क्या हैं ठीक है एंड देन यू हैव टू टेक दैम अलॉन्ग तो इंडियन लीग ने इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयास करा ठीक है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ईयर 1876 आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता या इसको पॉपुलरली अधिकतर लोग इसको इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से जानते हैं ठीक है इट वॉज फॉर्मड इट सुपर सीटेड द इंग्लिश इंडियन लीग ठीक है तो ये इसके अंदर आके मर्ज हो जाती है तो इसका अस्तित्व ख़त्म ठीक है इट वॉज़ फाउंड बाय द यंग नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल जो बंगाल के अंदर नए पढ़े लिखे लोग आ रहे थे ना लाइक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आनंद मोहन बोस इन लोगों ने इस्टेब्लिश करा था एंड देवर डिसटिस्फाइड विद द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कौन सी आपकी ये वाली जहाँ पे दोनों लोग मिले थे ना जमींदार और ये लोग तो इनसे यार इनको सेटिस्फैक्शन uh, नहीं मिल रहा था हाउ देवर वर्किंग ठीक तो देवर डिसेटिस्फाइड इन्होंने नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई अब इनके काम क्या हैं बेसिकली दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिडक्शन इन एज ऑफ इंडियन सिविल सर्विसज एटीन सेवेंटी सेवन के अंदर इंडियन सिविल सर्वेंट की एग्ज़ाम देने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही छोटी एज रखी थी ट्वेंटी थ्री अब उसको घटाते 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 ये बहुत कम कर रहे थे नाइनटीन ट्वेंटी तक लेके आ गए तो देवर यू आर सो एंग्री कि आप एक तो यू नो द करिकुलम इज़ रियली डिफरेंट लैटिन वैटिन पूछे जाते हो उसके अंदर ठीक है अब आप इतने टाइम भी नहीं दे रहे है. तो बेसिकली आपने नाम के लिए तो कॉम्पिटिटिव एक एग्ज़ाम करा दिया बट यू आर हैविंग इट कम्प्लीटली इन द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स और इंडियन के फेवर में नहीं है ठीक है सिमिलरली दे वॉन्टिड सैमटेनियस एग्ज़ाम इन इंडिया एंड ब्रिटेन और इंडियनाइजेशन करो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन को कंडक्ट करो सर्विस के अंदर और पहले क्या होता था um, you know, यू नो जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का वो होता था खाली और खाली ब्रिटेन के अंदर तो यार कोई अंडर प्रिवेज इंसान है वो कैसे जाएगा था दूर बिकॉज़ इट वॉज़ एक्सपेंसिव टू गो आउट ऑफ कंट्री उस टाइम के अंदर है ना तो दे वॉन्टेड सेवेंटीनस एग्जाम अब इन्होंने क्या करा दे वॉन्टिड टू रीच आउट टू मोर पीपल तो इन्होंने बंगाल के बाहर भी ब्रांचें लगाना स्टार्ट कर दिया इन द ईयर ऑफ एटीन थर्टी थ्री कोलकाता के अंदर इन्होंने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस करा जहाँ पर अलग अलग साइड से नेता आए सो बेसिकली यू नो दे वर ट्राइंग टू हैव अ यूनिटी और लेटर ऑन एटीन एटी सिक्स के अंदर इट मर्ज विथ कांग्रेस ठीक है तो आपकी इंडियन लीग है ये मर्ज हुई आपकी इंडियन नेशनल एसोसिएशन के अंदर विच मर्ज इन इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है तो ये दिख रहा है आपको ग्रेजुअल इवाल्यूशन हो रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का ओके okay, परफेक्ट अब आते हैं लाइक दूसरे मेजर बिग सिटीज़ के अंदर बॉम्बे यू हैड पुणे सार्वजनिक सभा देन द ईयर ऑफ एटीन एटी फाइव जब आपकी कांग्रेस बनी तो उसके साथ साथ में यू हैड बंगाल सॉरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन अब इनके लीडर्स के नाम याद रख लो मद्रास के अंदर यू हैड मद्रास महाजन सभा भाई अय्यर और ये दो अदर हैं ठीक है अब मैं ये बोलूँगा कि बंगाल के एसोसिएशन दे आर मोर इम्पॉर्टेंट ठीक है और अगर इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी बॉम्बे का तो एम जी रनार्डे वाला नाम याद रख लेना इट वॉज इम्पॉर्टेंट और बस लाइक दैट्स इट अब नेक्स्ट क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है तो पॉज करो वीडियो के फैक्ट्स पढ़ो और या ऑल द बेस्ट बाय